बहुत लोग गलत फहमी थे क्या क्यू टीवी हम चलाते, हमने चलाते, मेरा प्रोग्राम सिर्फ आता है। क्यू टीवी मैं टीवी देखता नहीं हूं, देखता नहीं हूं। जब मैं दुबई जाता हूं क्यू टीवी के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए, चंद एक दो बार में इस्तेकार झलक देखी मैंने, लेकिन लोग मुझसे कहते इस्तेकारा में क्या होता है, टेलीफोन कीजिए पूछो क्या मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, हां खरीद लो मत खरीदो। ये कुरान और हदीस की रोशनी का इस्तेकारा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम में इसका वजूद ही नहीं है। वो प्रोग्राम को पॉपुलर करने के लिए अगर कोई आप चीज करते हैं, क्यों टीवी तो काफी पॉपुलर है, उसमें अच्छी चीजें भी गलत चीजें। इस्तेकारा का सही तरीका है इस्तेकारा जो सही हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल कभी भी कोई चीज करते थे इस्तेकारा करते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि मैं मदद करो, अगर अच्छी चीज है तो मैं मदद करना, अगर गलत है तो उसमें रुकावट लाना, ये तरीका है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप पूछो और कुरान खोलो फाल खोलो, ये आयत आ गई तो हाँ, ये आयत आए तो ना, ये सब अपने मुसलमान माशरे में है जो कुरान और सही हदीस से साबित नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये जो हो रहा है क्यू टीवी के ऊपर, हम जानते हैं क्यू टीवी पे कुछ प्रोग्राम अच्छे हैं कुछ प्रोग्राम गलत है, तो क्यू टीवी भी जिसका नाम कुरान टीवी है, इतना इल्म मुझे इस कुरान टीवी के बारे में है, सब चीज जो आती है वो सही नहीं है, कुरान और सही हदीस की रोशनी में नहीं, सारी चीजें नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा टीवी चैनल हो जो कुरान और सही हदीस पर मुकम्मल हो, खाली पॉपुलर कुरान खाली पॉपुलर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम करो, जैसे कि मैं सुना था कौन बनेगा करोड़पति, बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम। तो उस तरीके से इस्तेकारा एक शॉर्टकट, फटाफट कुछ भी पूछो जो भी जवाब मिल जाता है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई कुरान और हदीस के सही हदीस की रोशनी में ये बिल्कुल गलत है। और क्यों टीवी पे जो सब कुछ आता है वो सही नहीं, कुछ सही है कुछ गलत है, हमें तहकीक करना चाहिए कि जो भी प्रोग्राम क्यों टीवी पे आ रहे वो कुरान और सही हदीस से मुताल्लिक है तो उसके ऊपर अमल करें, बाकी चीज जो गलत है उसके ऊपर अमल ना करें।